क्रम एवं बैठक व्यवस्थीकरण ऑर्डर एंड सीटिंग अरेंजमेंट। क्रम व्यवस्थीकरण ऑर्डर अरेंजमेंट आरोही या अवरोही क्रम व्यवस्थित। आपने पहले जरूर पढ़ा होगा ये आरोही व अवरोही क्रम व्यवस्था। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं की लंबाई, ऊंचाई, आयु, भर, योग्यता आदि अव्यवस्थित रूप से दिए गए होते हैं। अभ्यर्थियों को दी गई जानकारी व्यवस्थित करने के लिए लंबाई, ऊंचाई, आयु, भर, योग्यता आदि जो भी प्रश्न में दिया गया हो उसके आधार पर व्यक्तियों या वस्तुओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन वन क्या बोलता है। लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है। लिख लेते हैं, चलिए लक्ष्मी करेक्ट मीनू से, ये रहा मीनू, मीनू से आयु में बड़ी है, आयु में बड़ी है लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है। चलिए ठीक है, देखिए उदाहरण वन क्या बोलता है। लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है। लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। लता मीनू और परी दोनों से छोटी है किंतु परी मीनू से छोटी है, जबकि सबसे छोटी कौन है बोलता है, सबसे छोटी कौन है ये क्वेश्चन हमको ज्ञात करना है। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोलता है, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, ये रहा लक्ष्मी एंड ये रहा मीनू। ये लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है इसलिए हम ये चिन्ह आयु में बड़ी वाला लगाए हैं। अब देखिए लीला मीनू से बड़ी है, ये रहा लीला, सॉरी ये रहा लीला एंड ये रहा मीनू। लीला मीनू से बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है ठीक है, लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, कोई बात नहीं फिर से ये चिन्ह, लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। अब देखिए लता, लता मीनू और परी से, परी दोनों से छोटी है बोलता है, लता ये रहा लता, लता मीनू, मीनू और परी, और परी फिर से और एक करेक्टर आ गया परी, लता मीनू, मीनू और परी दोनों से छोटी है, मीनू और परी दोनों से छोटी है, चलिए कोई बात नहीं, किंतु परी मीनू से छोटी है, किंतु परी मीनू से छोटी है, फिर से ये चिन्ह ये बड़ा, देखिए ये हम क्यों दे रहे हैं, ये जिधर आ रहा है ये इधर बड़ा है एंड इधर जिधर ये वाला आ रहा है इधर छोटा है, ये एंगल छोटा है ठीक है, ये तो समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए ये वाला साइड बड़ा है एंड ये वाला एंगल जिधर आ रहा है ये एंगल छोटा है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, किंतु परी मीनू से छोटा है तो सबसे छोटा कौन है बोलता है, सबसे छोटा इन क्वेश्चन में सबसे छोटा कौन है ठीक है, सबसे छोटा तो हमको परी लग रहा है क्योंकि देखिए लक्ष्मी मीनू से मीनू लक्ष्मी से छोटा है, केवल मीनू तो छोटा हो गया लेकिन देखिए मीनू किसी से तो और से बड़ा है, लता से बड़ा है ठीक है, लेकिन लता भी किसी से बड़ा नहीं है, लता किसी से बड़ा नहीं है इसलिए लता सबसे छोटा होगा। देखिए परी भी बड़ा है किसी से, लता से परी बड़ा है इसलिए लता सबसे छोटा हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों लता सबसे छोटा हो रहा है, क्यों देखिए ये वाला एंगल हमारा छोटा साइज में है इसलिए ये वाला एंगल छोटा साइज में है। अब ये वाला बॉक्स देखिए, ये वाला बॉक्स में परी है
क्योंकि लेकिन ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल इसमें आ रहा है, इसलिए ये हमारा गलत है एंड ये हमारा सही, इसलिए लता इज करेक्ट। लता डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज। स्थान क्रम व्यवस्था, इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों व्यक्तियों की पंक्ति या उनके नामों की सूची पर आधारित होते हैं। व्यक्तियों या उनके नामों का स्थान पंक्ति के प्रारंभ या अंत में दिया गया होता है और उस प्रकार विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर निम्नांकित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पंक्ति में कुल व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या। पहला, यदि दाएं और बाएं से व्यक्ति का क्रम दिया गया हो तब कुल व्यक्ति की संख्या बाईं ओर से व्यक्ति का क्रम दाईं ओर से व्यक्ति का क्रम माइनस होता है। यदि ऊपर और नीचे से व्यक्ति का क्रम दिया गया हो तब कुल व्यक्ति की संख्या इक्वल टू ऊपर से व्यक्ति का क्रम प्लस नीचे से व्यक्ति का क्रम माइनस वन होता है। ऐसे में तो आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, इसलिए हम उदाहरण के अनुसार आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। एक कक्षा में सोहन या स्थान ऊपर से सातवां है और नीचे से छब्बीसवां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, एक कक्षा में सोहन का स्थान से सातवां है। सोहन का स्थान ऊपर से सातवां है, चलिए लिख लेते हैं, ऊपर से सातवां है, सेवन है, चलिए सेवन लिख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे से 26वां है, नीचे से 26 है। तो कुल विद्यार्थी क्या है बोलता है, कुल स्टूडेंट क्या है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोलता है, हमारा दूसरा में हमारा आ जाएगा इन क्वेश्चन का आंसर। देखिए तब कुल व्यक्ति की संख्या इक्वल टू, कुल व्यक्ति की संख्या इक्वल टू ऊपर से व्यक्ति का क्रम, ऊपर से व्यक्ति का क्रम यानी कि सेवन प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, नीचे से व्यक्ति का क्रम, नीचे से व्यक्ति का क्रम कितना है 26, नीचे से व्यक्ति का क्रम 26 एंड यहाँ पे क्या है माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन। चलिए इनको हल करते हैं, 7 + 26 बदमाश बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, BADMASS बदमाश, BADMASS, बी से ब्रैकेट, ए से एडिशन, डी से क्या होता है बताइए, डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। इसलिए यहाँ पे पहले एडिशन होगा तब जाकर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। 26 + 7 कितना होगा बताइए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33। 33 - 1 = 32 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए सॉरी गाइस, अब देखिए व्यक्ति या वस्तु का किसी दिशा से क्रम। पहला, यदि किसी सूची में कुल व्यक्तियों की संख्या तथा किसी विशेष व्यक्ति का ऊपर से क्रम दिया गया हो तो उस व्यक्ति का नीचे से क्रम इक्वल टू कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस ऊपर से व्यक्ति का क्रम प्लस वन। बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस ये सूत्र, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यदि किसी सूची में कुल व्यक्तियों की संख्या तथा किसी विशेष व्यक्ति का नीचे से क्रम दिया गया हो तो उस व्यक्ति का ऊपर से क्रम इक्वल टू कुल व्यक्ति की संख्या माइनस नीचे से व्यक्ति का क्रम प्लस वन। यदि किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या तथा नीचे विशेष व्यक्ति का दाईं ओर से क्रम दिया गया हो तो उस व्यक्ति का बाईं ओर से क्रम
कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दाई ओर से व्यक्ति का क्रम प्लस वन। करेक्ट। यदि किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या तथा किसी विशेष व्यक्ति का बाईं ओर से क्रम दिया गया हो तो उस व्यक्ति का दाईं ओर से क्रम कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस बाईं ओर से व्यक्ति का क्रम प्लस वन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी फॉर्मूला। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनुज का स्थान 71 है, अंत से उसका कौन सा स्थान है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में। करेक्ट। देखिए अंत से उसका स्थान क्या होता है? अंत से उसका स्थान इक्वल टू कुल विद्यार्थियों की संख्या, माइनस आरंभ से अनुज का स्थान, चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या है 31 इक्वल टू 31 एंड आरंभ से विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? आरंभ से अनुज का स्थान है 17। 31 माइनस 17 प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन है फॉर्मूला में, इसलिए यहाँ इक्वल टू ये अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि बदमाश में माइनस को बाद में किया जाता है, प्लस को पहले किया जाता है, इसीलिए 31 पहले लिख लेते हैं, माइनस 17 प्लस 1 हो जाएगा 18 इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। हमारा आंसर 15 इज करेक्ट। अब देखिए स्थान परिवर्तन पर आधारित, इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में किसी पंक्ति में दो व्यक्तियों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं तथा किसी व्यक्ति के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है। प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू परिवर्तित क्रमांक माइनस प्रारंभिक क्रमांक माइनस वन। यह है फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। देखिए अब उदाहरण फोर क्या बोलता है। लड़कों की एक कतार में अजब बाएं से सातवें तथा दयाल दाएं से नौवें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो अजब बाएं से ग्यारहवें स्थान पर चला जाता है। अजब के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं ये हमको ज्ञात करना होगा। देखिए प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में व्यक्तियों की संख्या क्या है? इक्वल टू परिवर्तित क्रमांक माइनस प्रारंभिक क्रमांक। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अजब, देखिए लड़कों की कतार में अजब बाएं से सातवें, पहले अजब लिख लेते हैं, अजब सातवें बाएं से सातवें मतलब सात लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। एंड दयाल दाएं से नौवें। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो अजब बाएं से ग्यारहवें मतलब बाएं से ग्यारहवें में आ जाता है एंड अजब के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं? सिंपल तो है, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें प्लस 3 ऐड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना आसान सा क्वेश्चन है गाइज।
देखिए अब अगला टॉपिक क्या बोलता है, बैठक व्यवस्थीकरण सीटिंग अरेंजमेंट रेखीय व्यवस्थीकरण। इसके अंतर्गत बैठक व्यवस्थीकरण रेखीय क्रम में होता है। दी गई जानकारी के अनुसार दिए गए व्यक्तियों को एक पंक्ति में किसी भी दिशा में मूव किए गए या दो पंक्तियों में व्यवस्थित करना होता है। तत्पश्चात संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण 5 क्या बोलता है, 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। चलिए लिख लेते हैं, 5 लड़के ए बी सी डी एंड ई एक पंक्ति में खड़े हैं। डी ई के दाईं ओर है, डी ई के दाईं ओर है। अरे ऐसा है, चलिए ठीक है ऐसा भी हम लोग कर लेते हैं। डी ई के दाईं ओर है, कोई बात नहीं होने दो। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, आई बी खड़ा है ई के बाईं ओर, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम ई कर लेते हैं, इसको हम बी कर लेते हैं। बी खड़ा है ई के दाईं ओर, सॉरी गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, डी ई के दाईं ओर है, डी ई के दाईं ओर है, डी ई के दाईं ओर है, और बी खड़ा है ई के बाईं ओर, बी खड़ा है ई के बाईं ओर। हम यहाँ पे दाईं ओर सोचे थे, किंतु ई किंतु ए के दाईं ओर डी किंतु ए के दाईं ओर डी क्यों किंतु ए के दाईं ओर, ओ ऐसा है, बी खड़ा है ए के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर है बी, ठीक है। एंड डी बाईं ओर है सी के, डी बाईं ओर है सी के, जो दाएं छोर पर खड़ा है, जो दाएं छोर पर खड़ा है मतलब दाएं के सबसे कोना पर खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है। देखिए ये हमारा बन गया इन क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन सबसे बीच में कौन है बोलता है, सबसे बीच में तो हमको तो ई नज़र आ रहा है बीच में, इसलिए ई ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना लल्लू वाला क्वेश्चन है ना। चलिए अब बंद वक्र व्यवस्थीकरण क्या बोलता है, बंद वक्र व्यवस्थीकरण। इसके अंतर्गत व्यवस्थीकरण किसे बंद वक्र जैसे वृत्ताकार त्रिभुजाकार चतुर्भुजाकार इत्यादि के क्रम में होता है। अर्थात दिए गए जानकारी के अनुसार दिए गए व्यक्तियों को किसी गोल आयताकार वर्गाकार त्रिभुजाकार मेज के चारों ओर के एक दूसरे की ओर मुख करके व्यवस्थित करना होता है। तत्पश्चात संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। निम्नांकित जानकारी के ध्यान पूर्वक पढ़कर और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 महिला ए बी सी डी और डी, ठीक है 4 महिला ए बी सी डी, ये क्वेश्चन है गाइस, 4 महिला ए बी सी डी तथा 4 पुरुष ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, मतलब आमने सामने बैठे हैं। एक मिनट देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है ए बी सी और डी, ए बी सी एंड डी, ये मेज है मानकर चलिए, ए बी सी एंड डी, ई एफ जी और एच, ई एफ जी एंड एच के इर्द दिग्र बैठे हैं, केंद्र के मुख की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, सॉरी ये वृत्ताकार मेज है मानकर चलिए, ठीक है। पहला पहला नंबर क्या बोलता है, कोई भी दो पुरुष या दो महिला अगल बगल नहीं बैठे हैं, कोई भी दो पुरुष या दो महिला अगल बगल नहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं। सी जो जी और ई के बीच में बैठा है, सी कहाँ है, सी सी जो जी और ई के बीच में बैठा है, ऐसा है का। चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है
अब देखिए, हम इन नंबर के अनुसार इस तरह से इसे सजाते हैं। कोई भी दो पुरुष या दो महिला अगल बगल नहीं बैठे हैं। चलिए मान कर चलिए ये हमारा मेज है, कोई भी दो पुरुष अगल बगल नहीं बैठे हैं या महिला। ए बी सी एन डी, ये है ए, ये है बी, ये है सी एंड ये है डी। ठीक है, धो धूर में कर देते हैं ताकि बीच में और पुरुष भी आ सके। एंड ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। कोई भी दो पुरुष या दो महिला अगल बगल नहीं बैठे हैं, अगल बगल बिल्कुल नहीं बैठे हैं। ठीक है, सी जो जी और ई के बीच में बैठा है, सी जो ई और किसके बीच में, ई और जी के बीच में, ई और जी के बीच में बैठा है। जो डी के सामने है, के बीच में बैठा है, जो डी के सामने है, डी के सामने है। एफ डी और ए के बीच में बैठा है, एफ डी और ए के बीच में एफ बैठा है और जी के सामने बैठा है। जी कहाँ है जी, ये रहा जी, जी के सामने बैठा है, ऐसा बैठा है, ऐसा जो जी के आमने सामने बैठा है। करेक्ट। अब देखिए, एच बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एच बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एच बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है ए के ठीक बाएं ओर क्या है, ए के ठीक बाएं ओर एफ है। करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ए के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, ए के ठीक बाएं ओर एफ बैठा है, एफ ए के ठीक बाएं और एफ बैठा है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए सेवन उदाहरण में, ई किसके सामने बैठा है, ई है जो किसके सामने बैठा है, ई सी और डी के सामने ई बैठा है, इसलिए सेवन में आ जाएगा सी एंड डी के सामने ई बैठा है। एंड सिक्स नंबर पे आ जाएगा एफ, देखिए सिक्स नंबर पे ए के ठीक बाएं और एफ बैठा है। एंड एट नंबर पे कौन आएगा, देखिए बी के निकटस्थ पड़ोसी कौन है, बी के निकटस्थ पड़ोसी बी कौन है, ये रहा बी के निकटस्थ पड़ोसी एच एंड एफ है, एच एंड एफ, ये हमारा ये आ जाएगा आंसर। एच एंड एफ कहाँ है, यहाँ पे एच एंड एफ, एच एंड एफ कहाँ है, एच, ये रहा एफ एंड एच, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट।